हम लोग उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ICAR का यानी कि कृषि विभाग में जो आप एग्जाम दिए टेक्नीशियन का वो समाप्त हो चुका है। अब उसका मैं एक सर्वे कराया था और आप लोग से मिला भी था एग्जाम सेंटर पर। बहुत विद्यार्थियों से मैं सर्वे किया, मैं बातचीत किया, मैं सर्च किया। उसके बाद मैं एक अनुमान पर निकला हूं। अनुमान का अर्थ हुआ कि एक परिणाम पर मैं आया हूं। और आप जानते हैं कि एग्जाम टूर के द्वारा जो भी कट ऑफ दिया जाता है वो लगभग 100% लड़ जाता है। लड़ने का अर्थ हुआ कि ये सर्वे करा के दिया जाता है, आपसे मिलने के बाद दिया जाता है, आपसे समझने के बाद दिया जाता है, एग्जाम का प्रश्न को जानने और सुनने के बाद ये सब किया जाता है। इसलिए आने का संभावना है कि इसी तरीका से आपका कट ऑफ रहेगा। और आपसे बता दें लगभग एक सप्ताह में, मेरे अनुसार लगभग एक सप्ताह में आपका आंसर की जारी कर देना चाहिए। या लेट होगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है, मतलब इसमें जारी कर देना चाहिए। उसके बाद यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका पिछला बार भी ज्यादा समय नहीं लगाया था, तो इस बार भी लग रहा है कि आपका मई तक रिजल्ट आ जाए, यानी कि मई महीना में रिजल्ट कहीं आ जाए। सबसे पहले देख लीजिए ICAR यानी टेक्नीशियन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कुल पद की बात करें तो 641 से कुल पद था, यानी कुल पद की बात करें तो 641 था। यदि टोटल फॉर्म कितना गिरा था तो इसकी बात करेंगे तो 14 से 15 लाख, 15 लाख तक फॉर्म गिरे थे। और परीक्षा में प्रश्न की बात करेंगे तो 60% हाई प्रश्न था और मॉडरेट भी प्रश्न था, इसलिए इस बार कट ऑफ बहुत अधिक जाने की संभावना नहीं है। फिर भी मैं एक हूबहू आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किया हूं। और आपसे मैं बता दूं, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और जाकर एग्जाम टूर का कोड है, यानी कि एग्जाम एग्जाम टूर TOUR 10 लिखिएगा तो आपको 10% तक की छूट मिल जाएगी। यहां लिंक भी दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे वहां से ले सकते हैं। यदि आप इसमें मुफ्त भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा व्यवस्था है, आप वहां जाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। चलिए तो आपसे सबसे पहले बता दीजिए आप यदि किस विभाग में, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा ये है। एग्रीकल्चर रिसर्च और बागवानी वगैरह मत्स्य बहुत सारा पद है, आप लोग भरे हैं तो ये सब जानते हैं। अब हम कट ऑफ की बात करें तो पिछला बार जो कट ऑफ था, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, इससे होगा क्या कि आप कुछ समझ पाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में पुराना जो कट ऑफ है उससे भी मैं तुलना किया हूं। और विद्यार्थी से, आप भी जानते हैं कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक काम यही रहता है, विद्यार्थी से मिलना जुलना, उनसे संपर्क करना। तो इस दरमियान मैं पिछला बार EWS नहीं था, आप भी जानते हैं EWS का कोई नहीं था, इस बार EWS भी है। यानी पिछला बार जनरल का कट ऑफ 53 गया था और OBC का कट ऑफ 50 गया था और SC का कट ऑफ 45 गया था और ST का कट ऑफ 42 गया था। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बार जाने की क्या संभावना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि EWS सॉरी जनरल का कट ऑफ 60 60 प्लस माइनस 5 रह सकता है। मेरा ये +-5 क्यों दिया गया इससे भी आप जान सकते हैं। यदि जो ये मैं बता रहा हूं हूबहू ये रहा, बच्चा लोग ज्यादा प्रश्न नहीं किए, लेकिन जब देखते हैं कि अब जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो रहा है, हर समय कंपटीशन लेवल का बढ़ते जा रहा है, तो कंपटीशन जब हाई होता है यानी जनसंख्या भी बढ़ रहा है, विद्यार्थी भी बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र भी बढ़ रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप कहीं चले जाइए, यदि ये स्टूडेंट जनरल कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है, सुबह में एक से लगाता है फिर शाम में, बहुत सारा मेहनती लोग हैं, तो इसके कारण भी कट ऑफ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और प्रश्न अच्छा आया था, इसको भी अच्छा कहने का अर्थ हुआ थोड़ा सा हाई कैटेगरी का पूछा गया था, इसको लेकर थोड़ा सा कम रहने का चांस है। इसलिए मैं ये जो कट ऑफ निकाला हूं ये दोनों को बीच में रखते हुए, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए और बच्चे लोगों से बातचीत करने के बाद ये कट ऑफ आया है। तो जनरल की कट ऑफ 60 प्लस माइनस 5 रहने की संभावना है, EWS की कट ऑफ 55 प्लस माइनस 5 रहने की संभावना है। यदि बात करें OBC की तो ये 57 कट ऑफ रहेगा, 57 से थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है या +-5 रह सकता है। यदि SC की बात करें तो 53 प्लस माइनस 5 और ST की बात करें तो 50 प्लस माइनस 5 रह जाएंगे। प्लस माइनस में 5 इसलिए दिया हूं, आप समझ सकते हैं कि ये अनुमानित कट ऑफ होता है। अनुमानित कट ऑफ यदि किसी को 100% करना है तो वह मेरा 100% होता है, ये सर्वे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, +-5 भी देने का एक और रीजन होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी प्रश्न तो उनको याद रहता नहीं है जब एग्जाम से निकलते हैं, तो अनुमान लगा के बताते हैं कि मेरा इतना सही हो रहा है, हम इतना किए हैं। तो इस तरीका से सब कुछ ध्यान में रखने के बाद तो इसको किया जाता है, जिससे कि आपका कट ऑफ यदि आप इसके इर्द गिर्द हैं
तो आप आ सकते हैं, 55+ भी है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि आपका आएगा। यदि ईडब्ल्यूएस है 50+ है तो आपका भी ठीक है, यदि 50 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा है तो 100% आप कन्फर्म रहिए। यदि ओबीसी है आपका 57+ है यानी कि 60 से भी ज्यादा है तो आप भी 100% कन्फर्म रहे। एससी है तो 53+ है यानी 53+5-5 हो सकता है, एसटी है तो 50+-5 हो सकता है। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं यानी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे होगा क्या सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। बहुत सारा इसमें एग्जाम से रिलेटेड न्यूज भी डाला जाता है, बहुत सारा इसमें काम किया जाता है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। करंट का टेस्ट चालू हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और 365 दिन बिल्कुल मुफ्त चलेगा, इसलिए आप एग्जाम टूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।